और यदि मथुरा में आए हो तो अवश्य कभी लौट कर आएंगे, ये संभावना दिखती है। अभिवत मधुपुरिया आर्य पुत्र धुनास्ते स्मरति सपितृगेह सम्मबन्धुस्य गोपा। राधा जी कहती, क्या आर्य पुत्र श्री कृष्ण मधुपुरी में है क्या? यदि आ गए हो तो कभी कदाचित ब्रजवासियों के लिए उनको स्मरण होता है, गायों के लिए, और उन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए हैं, बगीचा बनाए हैं, क्या उन सबका स्मरण होता है? अपने पिता माता के लिए कभी स्मरण होता है? क्या कभी इस तरह से बोलते हैं? मथुरा की नगरिया तुम लोगों ने जो, तुम लोगों की जो सेवा परिपाटी है, जितने सुंदर रूप से सेवा करती हो, गोपियां सेवा करना चाहती थी पर इतनी परिपाटी उनके पास नहीं है, वो तो गांव की गंवारे हैं, कहां से उनको आएगा, फिर भी कुछ करती थी। क्या इस रूप में कभी हम लोगों का नाम लेते हैं? क्या कभी लौट कर आएंगे? अपनी अगरु सुगंधित जो उनके भुज जुगल हैं, हम लोगों के सिर पर धरेंगे कभी वो देख। कभी वो दिन आएगा कृष्ण कभी लौट कर आएंगे। ऐसा कहकर दादाजी मूर्छित हो जाते। कई दिन दया हे मथुरा नाथ, कदा वो लोक कैसे हृदय तदलोक गात दैत ब्रह्मते कि करो। हे दिनों के प्रति दया करने वाले, हे दिन बंधु दीननाथ, यदि आप वृंदावन नाथ होते तो लौट के आते, आप तो मथुरा नाथ थे, अब तो मथुराधीश बने, तो हमारा तो कोई अधिकार नहीं रहा, कोई बोलने का भी अधिकार नहीं रहा, कैसे हम बोले कि आप वृंदावन नाथ हैं तो अवश्य वृंदावन लौट गए। हे मथुरा नाथ, कदा वो लोक कैसे हृदय तदा लोक का था, मेरा हृदय अतिशय कातर हो चुका है, बुद्धि भ्रमित हो गई। क्या कभी आपका दर्शन मिलेगा? इस प्रकार दादाजी बिना में अधिक है और साथ ही मुख्य हो गए।
तो समाई घोटिया सब होती उद्धव को कहने लगी कि उद्धव कृष्ण का कुछ संदेश लाए हो तो क्यों तुम बैठे हो, कुछ तो सुनाओ, कुछ तो बोलो। कृष्ण ने क्या संदेश दिया? उस समय उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करने कहने लगे, विरही न मे मां भागा महान अनुग्रह कृत। हे महाभाग्यवती प्रज गोपियों, कृष्ण ने आज आपके सामने भेजा ये मेरे प्रति महान सौभाग्य है, महान अनुग्रह है कि आप लोगों का यह विरह मैंने देखा और सुना। न मैं कभी सोचा समझा देवगुरु बृहस्पति ने मुझे पढ़ाया सिखाया, कभी ऐसी प्रेम की बात ना ही सुनी ना ही देखी। तो मेरे प्रति आपका महान अनुग्रह। कृष्ण ने कुछ संदेश तो दिया है, परंतु यह संदेश आपके लिए लायक नहीं है। और उन्होंने जो कुछ बताया कुछ भी मेरे भी समझ में नहीं थी, इसका क्या तात्पर्य है और आपको कहां तक सांत्वना हो। फिर भी कृष्ण के वचन जो कुछ कहा है वही मैं आपके सामने कहता। कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, तुम्हारा हमारे साथ कोई विरह विच्छेद नहीं, जो कुछ भी है वो अति सामान्य है। देखो तुम्हारा मन हमारे पास पड़ा हुआ है और तुम्हारा मन हमारे पास, हमारा मन तुम्हारे पास, इसलिए मन से आत्मा से कोई वियोग नहीं, विच्छेद केवल शरीर से है, इसलिए इसको तुम लोग कष्ट मत मानो। देखो प्रेम ने ही आज हमें एक साथ मिलाया था, वही प्रेम हम दोनों को अलग करा दिए, आज हम दूर दूर हो गए, परंतु हम कभी न तो तुम्हें भूले हैं ना तुमसे हम अलग हैं। देखो तुम इसे स्वप्न मानती हो, कोई स्फूर्ति मानती, कोई कल्पना मानती, ना तो कोई कल्पना है ना कोई स्फूर्ति और ना ही कोई स्वप्न है, वास्तव में मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे मन में हृदय में आत्मा में अवस्थित होकर तुम्हारे साथ क्रीड़ा विनोद करता, तुम्हारे साथ रहता, उसको तुम लोग स्वप्न मानती हो और कोई स्फूर्ति मानती हो, झूठ मानती हो, परंतु यह तो न तो झूठ है न ही कोई कल्पना है और ना ही सत्य, अवास्तव में कि सच है, मैं तुम्हारे साथ, मुझे विश्वास करो, मानो
कुछ समय के लिए हम जीवन अवश्य, फिर हम मिलकर एक हो जाएंगे तुम्हारे साथ में। ऐसे ऐसे कृष्ण ने गोपियों को कहा, पर गोपियों का मन कहाँ मानता है, कहाँ वे मानती, नहीं मान सकते। उद्धव को कहा, उद्धव ये तुम क्या बोल रहे, तुम्हारा ये ज्ञान का संदेश, नीम का जूस तो मथुरा में ले जाना, उन्हीं लोगों को पिलाना, हमें नहीं चाहिए। सैकड़ों जन्म तक तुम्हारे विरह में, कृष्ण के विरह में हम अधीर होकर रोते रहे, वो अच्छा है, पर हमें नहीं चाहिए। एक ज्ञान की बात हमें नहीं सुनना है, सारी बातों को ठुकरा दी। तब उद्धव ने कहा कि कृष्ण ये बात कही है कि आप लोग थोड़ा आंख मूंद करके देखें, जैसे रास के समय आंख मूंद करके आप लोग कृष्ण के पास में आ गए, वैसे ही आप देखें। उन लोगों ने कुछ देर के लिए आंख बंद की, देखा अंतर हृदय में कृष्ण आकर के मानो उनके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ये ही नेत्र खोलती है, आंख खुल करके देखे तो अंधेरा है कुछ। इसलिए बाहरे विष जला है, भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेमान, यह एक अद्भुत स्वभाव। बाहर में क्या है, विरह पीड़ा, और अंदर में कृष्ण स्फूर्ति का आनंद होता है। फिर भी गोपियां मन नहीं मानती, मथुरा की तरफ देख देख करके गोपियां रोने लगी। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्थी नाथ, हे नाथ, हे रमानाथ, हे राधानाथ, ब्रजजनों के आरती को दूर करने वाले। विरह में बैकुंठ होकर गोपियां सब रोने लगी। ये ब्रजभूमि तुम्हारे विरह में अधीर हो गई, अंधेरे में डूब गई, स्वयं आकर के इसको उद्धार करो। तब ब्रजवासी किए, नहीं तो ऐसे ही सभी मारे जाए। तब उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी भी बहुत रोए, गोपियों का हाथ पकड़ पकड़ करके खींचा कि चलो, बहुत दिन हो गए वन में पड़ी हुई, चलो घर में चलो। उन सब को हाथ पकड़ खींच करके गोपियों को घर में ले गए। नंद भवन में जाके गोपियों ने स्नान किए, कपड़ा बदल लिए, कुछ भोजन बनाए, बना के 3 महीना बाद नंद बाबा जसोदा माँ को खिलाए, उद्धव को खिलाया। तब उन लोगों ने कुछ भोजन किया। राधा जी हमेशा दीप उन्माद में डूबी, तब से गोपियां नंद भवन में माता जसोदा के साथ में रही। उधर उद्धव उसने देखा कि कोई उपाय नहीं सुझ रहा है, इनको सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए कोई भी बात लागू नहीं होता है। तब उन्होंने एक उपाय सोचा, गोपियों से पूछे कृष्ण ने कहां पर कौन से लीलाएं की, हमें थोड़ा दिखाओ और सुनाओ। तब गोपियां कहती रही कृष्ण की लीलाओं के बारे में, और उन लीला स्थलियों को भी दिखाया। उद्धव जी 10 महीने तक ब्रज में रहे, उन सभी लीला स्थलियों को देखते रहे,
गोपियों से सुनते रहे। तो गोपियां कृष्ण की बातें करके कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी उन्माद में आ जाती है, कभी कुछ कभी। इस तरह से उद्धव ने गोपियों से सुनता रहा। इसके पश्चात फिर उद्धव जी ने जो प्रार्थना की है वो बाद में बताइए, कब होगा? शाम को? आज शाम को क्या है? कितने बजे? कहाँ पर? बारह। और यहाँ पर कब है? कल 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर। फिर से तब इन कथाओं को फिर से कहेंगे। उद्धव प्रिया जो है, उद्धव की प्रार्थना बड़ा सुंदर है, आगे भी बड़ा मार्मिक कथा है, जो विरह की और भी बातें हैं कुछ बताएंगे। ठीक है, कीर्तन करें या आरती होगी? ए भाई आ जाओ, आरती करो। और संजय है, संजय आ जाओ अंदर, आरती करो।